आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6। हम मौजूद है हैदराबाद में। आज बातचीत हो रही है जीएसटी पर। जीएसटी के तमाम पहलुओं को अब हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। भास्कर साहब, आपसे हम पहले शुरू करना चाहेंगे। आप बता सकें, अभी जिस तरह से अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जा रही है वहाँ वैट भी होता है, लेकिन इनपुट क्रेडिट को लेकर काफ़ी इश्यूज होते थे, ये स्पेसिफिकली जीएसटी से आपको लगता है वो तो एड्रेस होगा? या डेफिनेटली वो एड्रेस हो जाएगा। आप इंटर स्टेट में या इंट्रा स्टेट में आप माल सप्लाई करेंगे जी, जो खरीदने वाले को टैक्स मिलेगा, खाली एंड कंज्यूमर विल हैव टू पे टैक्स, बट द डीलर्स डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेम स्टेट और बाहर के स्टेट, उनको क्रेडिट मिलेंगे। हमने तो साहब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर स्मॉल बिजनेसेस में काफ़ी हेजिटेशंस रही हैं। उनके एक्सपीरियंसेस कई बार इतने अच्छे नहीं रहे, या समहाउ वो टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह से आगे मूव नहीं कर पाए हैं इस बदलते दौर में। अब जीएसटी में तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो इनफैक्ट उनके लिए सिस्टम्स जो हैं ये कितने फ्रेंडली किए जाएंगे या किस तरह से प्रोसेसेस मूव करेंगे, उनको किस तरह से इसके लिए रेडी होना होगा? ये चीज़ टेक्नोलॉजी की सिर्फ जीएसटी में नहीं है। अगर आप आज अपनी निजी ज़िंदगी में देखें, जो आप पर्सनल टैक्स फाइल करते हैं, एक ज़माना था जब आप फॉर्म भरते थे, लाइन में लगते थे और तब अपना रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतना सिंपल हो गया कि ऑनलाइन जाते हैं फाइल हो जाता है, पेमेंट्स देखें तो पेमेंट ऑनलाइन जाए हो जाती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आई है और यही एक सक्सेस फैक्टर एसएमई के लिए है। एक ज़माना था जब बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके आपको बिजनेस में हरा सकती थी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि आप वही टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास है वही टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जीएसटी में भी वही टेक्नोलॉजी आएगी। ओके, भास्कर साहब, समहाउ आपको लगता है ये ओवरऑल कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है, आगे जिस तरह से मूव करता है, इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल सकता है इसको? या इसी करेंटली इफ यू सी ऑल दी मल्टीपल टैक्सेस दैट आर देयर इन ईच स्टेट, द टोटल टैक्सेस वुड अमाउंट टू रफली 25% टू 30%। Total tax incidence. Total taxes. That means that is a burden, tax burden, you know, on the customer or manufacturer or supplier or wholesaler, whatever you call. आशुतोष साहब, आप समझाइए, जिस तरह से लोकसभा से क्लियर हुआ, उसके बाद स्टेट्स ने रेटिफाई किया, जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ, ये जो टाइमलाइंस रखी गई हैं, आपको क्या लग रहा है हम मतलब जिस तरह बढ़ रहे हैं, क्या कुछ और एड्रेस करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है किन पहलुओं को, किन खास बिंदुओं पर जोर देना ज़रूरी है इस समय? मेरी समझ से टैक्स के बारे में बहुत काम हो गया है और बहुत क्लैरिटी है सरकार को। सरकार को भी क्लैरिटी है, टैक्स कंसल्टेंट्स को भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, और जिन लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं शायद वो काम शुरू कर सकते हैं। जो स्पीड चाहिए, जो एफिशिएंसी चाहिए लोगों को, जो ब्यूरोक्रेसी से मुक्ति चाहिए उनको, जो दिक्कतें हो रही होती हैं उसके लिए जो अलाइनमेंट करने का काम है वो एक लंबा प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। किसी भी टैक्स सिस्टम में उस पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि हम उन पे ध्यान दें जहाँ पे वायलेशन हो सकता है, बजाय हर चीज पे ध्यान देने के। ओके, आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एस्टीम्ड गेस्ट। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट्स। और अब वक्त है कि हम हैदराबाद शहर की इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को फीचर करें। विसन इन्फोटेक की पहचान इसकी क्वालिटी सर्विसेज से होती है। ये कंपनी पिछले 16 साल से आईटी सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही है। साल 2000 में अशोक के थटीपली ने इस कंपनी की नींव रखी। अमेरिका से इंडिया आकर आपने बिजनेस की शुरुआत की और आपके लिए ये एक बड़ी परीक्षा थी। शुरुआती साल में सस्टेनेबिलिटी, एक्सपैंडिंग सर्विसेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कई चुनौतियां भी आपके सामने आई, लेकिन आपने इनका डटकर मुकाबला किया। सिर्फ 8 एम्प्लॉयज से आपने कंपनी शुरू की और आज 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके साथ हैं। आप देश में ही नहीं विदेशों में भी आईटी की सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी ग्राहकों की सूची में कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल हैं। आपकी कंपनी का टर्नओवर करीब 40 करोड़ रुपए है। अशोक के थटीपली को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। अशोक साहब, मुबारकबाद हमारी टीम की ओर से। ये बता सकें, कहा जाता है इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, अगर आपने यहाँ बिजनेस कर लिया तो कहीं भी कर सकते हैं। अब कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस ऑफ डूइंग बिजनेस के फ्रंट पर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नाउ इफ यू लुक बैक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं तो आईटी बिजनेस में आया था, बट आई डोंट नो मीन अदर बिजनेसेस, बट
when it comes to IT, the government gave us a lot of support to the IT sector. And especially we got like 10 years tax holiday when I started the business in year 2000. And especially we have not faced any issues or problems from the government, like, you know, वो आएगा तुमको गवर्नमेंट ऑफिशियल सताएगा आईटी क्षेत्र में उस तरह के इश्यूज नहीं है लेकिन ओवरऑल हम फेस नहीं किया था बिल्कुल आईटी में स्पेसिफिकली नहीं है लेकिन समहाउ बाकी और सेक्टर्स में कई तरह के इश्यूज रहते हैं बट आप हमसे ये जानना चाहेंगे समहाउ अब आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं आप जब बड़ी कंपनीज के साथ डील करते हैं उसमें फॉर्चून 500 कंपनीज भी हैं वो कितना चैलेंजिंग होता है किस तरह से आप वो कन्विंस करते हैं उस क्वालिटी को उनके नॉर्म्स को मीट करते हैं आगे बढ़ते हुए ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है बड़े सो डील करना इतना आसानी नहीं है दे आर लाइक यू नो टू बिग दे हैव अ बिग प्रोफाइल लाइक आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड इन 2000 लाइक दिस बिग कंपनीज वर एक्चुअली नॉट आफ्टर दी स्मॉल बिजनेसेस नाउ टुडे दिस बिग कंपनीज लाइक यू नो दे गो आफ्टर लाइक 1% बिजनेस टू लाइक बिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले का दौर और अब का दौर आप किस तरह से देख रहे हैं How is the overall scenario looking to you? And what is your message in brief, please? Last word. When I started the business, you know, I had a lot of options. I could go into development versus the IT services. Now, when it comes to development, there are a lot of challenges. You know, you have huge margins, but the business is not, you know, guaranteed. Like, you know, you have a development project that has a lifetime. But in the service sector, if you win a contract, you know, you have like long-term contract. Now, if you able to prove to the customer, they become loyal to. I have like the customers that I've been serving for last more than 10 years. Okay. So it all, you know, how you impress the customer, how you service the customer. We always try to exceed the expectations of the customer. So right. We were able to win over the business. Okay. Congratulations, Mr. Ashok Thattabaleji. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. Thank you. शर्मा जी मैं आपका माल भेज चुका हूं आप भी मेरी परेशानी समझिए देखिए आपको तो पता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना खराब है जी 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 नहीं मैं मानता हूं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंट्री के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं जी जी नहीं 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 शर्मा जी आप मत घबराइए बिल्कुल ओके 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 राकेश यस सर यार जब ट्रकों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी तो टाइम तो लगेगा ही जी सर क्या जी सर जो आपने कहा सर ओफो जाओ अविनाश को भेजो ओके सर पता नहीं कब बदलेगा ये सिस्टम सर बहुत जल्दी बदल जाएगा सर क्या हाथ बदल जाएगा उम्र निकल गई मेरी आज तक तो बदला नहीं अब क्या बदलेगा अच्छा वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की सर एंट्री कर रहा हूँ सर ओ यार मैं पागल हो जाऊंगा सर डोंट वरी सर और वो एक्साइज ड्यूटी की फाइल सर वो कंप्लीट होगी सर ठीक है मेरे पास भेज दो जी सर अभी भेज रहा हूँ यार इतने दिनों बाद तुझसे मिलने आया हूँ तेरी फैक्ट्री में कम से कम यार टाइम तो देते बस टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए सॉरी यार मार्च आ रहा है क्लोजिंग और टैक्स का बहुत सर पे सवार है ऊपर से एक अर्जेंट कंसाइनमेंट देनी है भाई ठीक है तू कर ले अपना काम हम तो वेले खाली हैं बैठे रहेंगे यार तू फिर यहां मजाक कर रहा हूं तुझसे सर हाँ बोलो सर कुछ पत्रकार आए हैं आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं ओह पत्रकार क्या बात है भाई पत्रकार आम बात है भेज दो जी सर आप हैं गुप्ता इंडस्ट्रीज के श्री केशव गुप्ता जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं केशव जी कि इस वक्त आप बिजनेस इंडस्ट्रीज और टैक्सेस को लेके कौन कौन सी परेशानी झेल रहे हैं देखिए बिजनेस के लिए तो आप मार्केट जाइए अगर वहां भीड़ है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है और नहीं है तो आप सब समझदार हैं और इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज की तो बहुत बुरी हालत है और आप हैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर ललित जी बताइए इस वक्त हमारे देश में स्मॉल इंडस्ट्रीज की जरूरत बढ़ गई है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है इसका एक ही सोल्यूशन है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और सर टैक्सेस टैक्सेस को लेकर हम बहुत परेशान हैं जगह जगह फाइलें टैक्स शिट
सर क्या आपको पता है हमारे देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने वाला है। इसके बाद हम सबको एक यूनिफॉर्म टैक्स देना होगा। लेकिन वो आएगा कब? अभी तक तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सर जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बनने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो होने चाहिए, इससे बिजनेस भी आसान होगा और बहुत सारे टैक्सेस से पीछे भी छूट जाएगा। इट विल हेल्प इकोनॉमी ऑन मेनी फ्रंट्स। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि जीएसटी अप्रोक्स 160 कंट्रीज के अंदर कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना आसान नहीं है पब्लिक और बिजनेस के लिए। नई चीजों को अपनाने में थोड़ा टाइम और वक्त लगता है। सर जीएसटी का स्टेट और सेंटर पर क्या असर पड़ सकता है, क्या बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, इससे स्टेट और सेंटर दोनों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। जब सब स्टेट में एक ही कानून होगा तो आसानियां भी बढ़ेंगी। तो सर क्या आप लोग जीएसटी के साथ हैं? क्यों नहीं है, वन नेशन वन टैक्स।